14 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसको विश्व के 177 देशों ने स्वीकार किया था और 2015 से आधिकारिक रूप से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया। और इसका जो दिन चुना गया वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसमें सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। तो एक तरीके से योग भी, क्योंकि दीर्घायुष्य प्रदान करने का एक प्रकल्प है, तो इसको संबंधित किया गया। और आज की आपादापिक युग की बात करें तो इसमें योग की सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हम त्रस्त रहते हैं, संतप्त रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कोई सुकून भरा, शांति भरा ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई चीज हो तो वो वास्तव में हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, न केवल शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, आत्मा के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के अवसर के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें और उनका संक्षिप्त परिचय देकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी कुछ शब्द बोल करके आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। साथियों, डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी ने आज के कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाल दिया है। हम सभी को बहुत ही हर्ष है कि आज हम इस टेनिस कोर्ट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आप सभी को कुट कुट बधाई। मैं डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी का आभार ही व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज आपका व्यस्ततम समय है। मुझे लगता है पूरे वर्ष भर अगर देखें तो आज आप सबसे अधिक व्यस्त हैं। और जैसा आर्य साहब ने बताया कि आज सबसे लंबा दिवस है, तो आज आपका व्यस्ततम रहने का भी सबसे लंबा कार्यक्रम है। हमें खुशी है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और यहाँ पर आकर हम लोगों का मार्गदर्शन योग से संबंधित कर रहे हैं। और हम आपसे आश्वासन ये आज ही चाहेंगे कि जो आने वाला वर्ष है आप उसमें भी आज ही हाँ कर दीजिए, ताकि हमको आगे हमें कोई ये ना रहे कि भाई स्वतंत्र जी बिजी हैं, इसीलिए हम योग दिवस के लिए किसी अन्य इंस्ट्रक्टर की खोज करें। साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन का थीम मानवता के लिए योग है। आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। संस्थान एवं विद्यालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है और कर रहा है। साथियों, योग हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन पर बल दिया गया है। आज के समय में योग का दैनिक जीवन की गतिविधियों में सम्मिलित करने की परम आवश्यकता है। योग के माध्यम से नई पीढ़ी में शांति, सद्भाव और प्रेम की भावना को विकसित किया जा सकता है। साथ ही बच्चों को मानसिक, शारीरिक एवं संवेदनात्मक विकास करने में मदद की जा सकती है। आज हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी हैं, जिनके द्वारा मानवता के लिए योग विषय पर चर्चा की जाएगी तथा हम सभी को योग अभ्यास भी कराए जाएंगे। मैं अधिक समय न लेते हुए
डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी को आदर सहित आज के विषय पर चर्चा हेतु आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी, और साथ ही साथ हम अगर हमारे डॉक्टर शर्मा जी की अनुमति दें तो योग की शपथ भी हम लेते हैं। प्रोटोकॉल में है और हम लेंगे। सो अनुमति है सर? ठीक है, स्थान पर यथा स्थान पर खड़े हो जाए और राइट हैंड को ऐसे आगे करते हुए मैं अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लेता हूँ और दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा चलिए तो योग पर जो योग का इतिहास, योग का वर्तमान, योग का भविष्य, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहले 15 मिनट थोड़ा सा अपन ध्यान और श्वसन के अभ्यास करेंगे, उसके बाद भाई साहब एक रिपोर्ट बताने वाले हैं और फिर उसके बाद अपन अभ्यास जारी रखें। तो सर्वप्रथम हम सभी कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। चिन्ह मुद्रा अंगूठा और तर्जनी उंगली को स्पर्श कराते हुए कमर को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करना है। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। श्वास और प्रश्वास पर अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे उसे जाने दीजिए। प्रयास करें हमारा नियंत्रण श्वास के ऊपर बना रहे। श्वास में चार प्रकार की गुणवत्ता हमें देखनी है। श्वास धीमा हो, गहरा हो, लयबद्ध हो और हम उसके प्रति सजग हो। Rhythmic breathing with awareness. एक एक श्वास के साथ मन शांत होता जा रहा है। एक एक श्वास के साथ भीतर आंतरिक सकारात्मकता प्रकट होती जा रही है और इस सकारात्मकता का मुख्य आधार परमपिता परमेश्वर के उस नाम को हम उच्चारित करेंगे। ओम नाम का उच्चारण 3 बार हम सभी करेंगे। धीरे से गहरी श्वास लीजिए। Thank you.
से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, प्रार्थना पीछे पीछे दोहराएंगे। सहनावतु सहनम भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ कमर के पीछे बांधिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास कीजिए, संभव हो तो ललाट मस्तक को भूमि पर स्पर्श कराने के प्रयास, भारत भूमि को प्रणाम करके के साथ धीरे से श्वास लेते हुए उठे, दोनों हाथों को खोले परस्पर बलिए, हथेलियों के मध्य ऊष्मा को उत्पन्न कीजिए और इस ऊष्मा को कटोरी रूपा बनाकर बंदा को पर रखिए, धीरे से संपूर्ण चेहरे को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए धीरे से नेत्रों को खोले। सभी को सुप्रभातम और सर्वप्रथम योग दिवस की आप सबको हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। तो हम सभी अभ्यास के लिए खड़े हो जाते हैं। श्वास लेते हुए भगवत को आगे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। हमारा श्वसन एडिबेटिव हो और आंखों के साथ सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और गहरेशन उसके साथ गहरा होते जाए। एक से एक आगे बंद करके कीजिए। यही से आप कंटिन्यू करेंगे 45 मिनट तक आपको बोले जाते हुए इस प्रकार ऑफ श्वास श्वास लेने को कुछ नहीं करनी है,
और छोड़ देंगे दूसरे में, exhale, exhale, exhale. यही क्रिया हम हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो हाथ सामने लीजिए और श्वास लेते हुए आगे पूरा फैलाइए, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, सिक्सर की स्थिति बना लीजिए, एक जरा आगे एक जरा पीछे, हाथ पूरी तरह फैल जा रहा है. Inhale up, inhale down, inhale
और अब टर्न लीजिए अपने लेफ्ट साइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड इनहेल अप. उसके बाद आगे के अभ्यासों के लिए बढ़ेंगे. जब तक बीच में हमारे वो रिपोर्टिंग करा दीजिए. अपनी आजादी के एक स्वर्णिम कालखंड में भी हैं, तो अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है बहुत लंबे समय से, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां पूरे देश में आयोजित की गई. ऐसा हमारे संस्थान में भी हुआ, तो इसके बारे में संक्षेप में प्रतिवेदन देने के लिए हमारे विद्यार्थी सलाहकार डॉक्टर अनिल कुमार जी नैना को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो संक्षेप में ये रिपोर्ट रखें. परम आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर श्री शर्मा जी, आज के मुख्य अतिथि स्वतंत्र शर्मा जी, संस्थान के विद्वान साथियों और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दिभाविका करने वाले समुदाय के सदस्य, बच्चे और साथी, सर्वप्रथम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम सभी को, जैसा स्वतंत्र जी ने कहा कि हम सभी को इसकी शुभकामनाएं, और जैसा डॉक्टर देविका जी ने कहा कि हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ में एक पूरे कालखंड को भी मनाने जा रहे हैं कि जिसको कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं. तो क्यों मना रहे हैं, पीछे की हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं. हमें आजादी की जो 75 वर्ष हुए उसमें हमने क्या खोया, किस क्या पाया और किस तरीके से पाया, और किस उनको पाने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देशवासियों और बाकी हमारी नीतियां, उनका क्या योगदान रहा, उनको हम याद करें. उस चीज को दृष्टिगत रखते हुए 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75 सप्ताह की गतिविधियों को मनाते हुए इसका समापन जो 15 अगस्त 2023 तक हम ये 75 सप्ताह मनाएंगे, जिसमें कि मुख्य इसकी जो थीम थी वो इस प्रकार से है, फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल की जहां तक बात आती है सबसे पहली बात कि आज जो 75 वर्ष पूर्व जो हुआ उसको जो किताबों में जो मिलता है केवल वहां तक आज के जो पीढ़ी है वो उसको जान पाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत सारे ऐसे जो उस वक्त जो लोग थे, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एक सीमित वर्ग के द्वारा ये स्वतंत्रता जिसको कि आज हम देख रहे हैं वो मिली है. बहुत सारे ऐसे जिनको कि हम जानते ही नहीं, आज मैंने पिछले ही दिनों एक नाम देखा रूपलो कोली, जिसका कि नाम मैंने आज तक कहीं के इतिहास में नहीं पढ़ा नहीं. ठीक उसी तरीके से खुदीराम बोस का नाम आता है, हमने स्कूल के दौरान भी आज भी पढ़ा, लेकिन खुदीराम बोस, बिरसा मुंडा, एक ये ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जो एक स्थान विशेष पे एक वहां पर जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे राष्ट्र में इनको जाने. उस तरह कमला देवी एक, तो इस तरीके से बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी ऐसे रहे जिनको भी हम लोग नहीं जानते हैं, और वो उनको इस थीम के तहत आइडियाज एंड
75, ऐसे कौन से 75 आइडिया हैं जो कि जिन्होंने देश की सूरत नहीं बदलती और उन आइडिया को लेकर के आज वर्तमान भारत जिस तरीके से संपूर्ण विश्व जिस रूप में भारत को देखता है वहां तक हम पहुंचे। विजन 75 हमारे संकल्प कौन कौन से इस तरीके रहे जिनको कृत संकल्प होकर के हम आज के इस वर्तमान परिदृश्य के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाए। एक्शन एक्ट 75 किस तरह के हमारे जो हमारे क्रिया पद्धति जो है किस तरह के एक्शन रहे जिनको हम फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ तक आए और अचीवमेंट्स, क्योंकि जो यहाँ तक आए हम ऐसा नहीं कि हम लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं जिससे कि वो मोटिवेशन प्राप्त कर सके। तो ये सब चीजें ये कि आजादी के अमृत महोत्सव की का एक बेस है जिसके आधार पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लगभग 37 ऐसे बिंदु थे जिनके ऊपर आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियों के दौरान कुछ विशेष एक्टिविटी करने के लिए कहा गया। इसी क्रम में संस्थान में जब 12 मार्च 2021 को ये शुरुआत हुई तो 2 अप्रैल 2021 से संस्थान में इसकी गतिविधियां प्रारंभ हो गई जिसमें पोस्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन रखा गया जिसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके स्ट्रगल के बारे में अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि हमारा संस्थान की एक ऐसा संस्थान है जिसमें उत्तर भारत के 10 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उसके अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ के उनके जो लोकल हीरोज थे उनके बारे में भी इसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन कराया और वो संस्थान के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में यदि हम दूसरी गतिविधि की ओर जाएं तो इसी क्रम में शिक्षक पर्व के रूप में गतिविधियां मनाई गई जिसमें 2 वेबिनार्स हमारे संस्थान में हुई जिसमें एक वेबिनार कम एग्जीबिशन ऑन करियर काउंसलिंग, इसमें डीसीडीसी जो कि हमारे यहाँ एक डिप्लोमा कोर्स है उसके विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही एक स्टूडेंट के लिए एक वेबिनार आयोजित की गई जिसमें क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया इस विषय पर एक वेबिनार रखी गई। उसके पश्चात यदि हम बात करें आगे तो उसी क्रम में राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कि आज के भारत जो आज वर्तमान भारत है इस रूप में है उस रूप में लाने के लिए जितना बड़ा योगदान है मुझे लगता है उसके इतर कोई हम योगदान गिना सकते हैं। तो सेलिब्रेशन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस इसमें संस्थान में एक व्याख्यान रखा गया आइडियोलॉजी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड रोड मैप टू यूनिटी जिसको कि श्री सतनाम सिंह जी ने डिलीवर किया। और उस क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो एक और गतिविधि जिसको कि हम फिट इंडिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं और साथ में अभी स्वतंत्र जी ने कहा कि जब तक हमारा मन शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा एक जो क्वालिटी आनी चाहिए हमारे कार्य में वो नहीं आ पाएगी। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन संस्थान में ये और इसका जो थीम थी वो जन भागीदारी से जन आंदोलन और वो 28 सितंबर 2021 को संस्थान में फिट इंडिया फ्रीडम रन रखा गया जिसमें संस्थान के सभी विद्यार्थीगण फैकल्टी मेंबर्स साथ ही डीएम स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स सबने प्रतिभागिता प्रस्तुत की। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें उसी क्रम में तो उसके लिए एक अब तक हम बात कर रहे थे फ्रीडम फाइटर्स की और दूसरे क्षेत्रों की, साथ में जिस संस्थान में हम कार्य कर रहे हैं उस संस्थान का मुख्य कि टीचर उस स्टेट के इर्द गिर्द हम लोग रहते हैं, तो क्या भारत की आजादी में टीचर का क्या रोल हो सकता है, द रोल ऑफ टीचर इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये एक आइकॉनिक एक्टिविटी के तहत टीचर भी एक स्वतंत्रता
में किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है उसकी चीजें विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। तो ये एक गतिविधि उस क्रम में और उसी में आगे बढ़े। तो ये तो था कि हम लोग इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये देखा जाता है प्राय कि किसी एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी कर रहा है। तो उन सब चीजों को कैसे पहचाने और हम क्या हमने बहुत अच्छा किया है लेकिन हमें पता नहीं कि इस प्रॉपर्टी का राइट भी हमारे पास हो सकता है। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में जिसकी निपा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, उसमें संस्थान के विद्यार्थियों संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए इसमें एक वर्कशॉप रखी गई और उसमें सभी ने हिस्सा लिया। उसी के बाद में यदि हम बात करें कि एक आगे की गतिविधि बढ़े तो एक गतिविधि इसमें ये रखी मेरा गांव मेरी धरोहर, ये एक कार्यक्रम रखा जिसमें संस्थान जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये संस्थान ऐसा है जिसमें विभिन्न क्षेत्र विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी यहाँ आते हैं। तो इसका जो ध्येय था कि जिस गांव में वो विद्यार्थी रह रहा है उसका ग्रामीण परिवेश से आ रहा है तो उस ग्रामीण परिवेश में ऐसी चीज की उसकी स्थापना कब हुई, उसमें पहला जो पढ़ाई की शुरुआत कब हुई, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कब आई, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण मोड़ जो कि जीवन की में बदलाव ला सकते हैं, इस तरह के बिंदुओं को इंगित करते हुए अब विद्यार्थियों ने अपने अपने संस्मरण लिखे कि मेरे गांव में ऐसा है यहाँ ऐसा। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हम गाँव को जाने और किस प्रकार से विकास की यात्रा हम आगे तक बढ़ के आए उसको पहचाने। तो उसके बाद में यदि हम बात करें इसमें देखिए इस तरह के बहुत सारे बच्चों ने हमें लिख के भेजा, हमने इनको डॉक्यूमेंटेशन भी इसका किया है। और उसके बाद में राष्ट्रगान कि ये देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि माना हम शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं और हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हम राष्ट्रगान को बोलते रहते हैं तो हमें राष्ट्रगान पता है, लेकिन बहुत सारे देशवासी ऐसे हैं जिनको कि ऐसा कभी मौका ही नहीं आता कि वो राष्ट्रगान को उच्चारण करें, वो राष्ट्रगान को गाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम इस भारत वर्ष के नागरिक हैं। तो ये एक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रगान जिसमें कि ऐसा भी था कि मान लीजिए हम ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम ई तरीके से वर्चुअल तरीके से भी राष्ट्रगान का उच्चारण करके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका सर्टिफिकेशन तक भी रखा गया कि वो सर्टिफिकेट भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक ये भी एक गतिविधि और मैंने 10 ऐसी गतिविधियां आपके लिए यहाँ रखी थी जो कि हम आपके समक्ष रख सकते हैं। एक डिजिटल थिएटर फेस्ट कि इस तरह के कोई अलग अलग स्कूल में इस तरह के फेस्ट रखे जिसमें कि वो आप आसपास की चीजों को जान सके, किस प्रकार से भारत की यहाँ तक की यात्रा को पहचान सके और उसका डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन कर सके। तो इस तरीके से ये कुछ गतिविधियां थी जो आजादी के अमृत महोत्सव के बैनर के अंतर्गत पिछले वर्ष में हुई। अब आने वाले उसमें जो गतिविधियां 2022 के लिए होंगी वो इसी क्रम में चलती रहेगी। धन्यवाद मौका देने की, बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में हमारे लिए एक गौरव का विषय है और हमारा सौभाग्य है कि आजादी के 75वें वर्ष में हम लोग इसको साक्षात होते हुए देख रहे हैं। हम में से बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग हैं जो आजादी का 100वां महोत्सव भी देखने वाले हैं। तो ये 75 से और 100 के बीच में जो 25 वर्ष है उस 25 वर्ष में हम आजादी के लिए आजादी के लिए अब हमें जान देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या काम कर सकते हैं 100वें वर्ष तक, हम 25 वर्ष अपने हाथ में है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे भैया ने हमने कहा कि पिछला युद्ध गया और नेक्स्ट चल गया, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं उसके लिए तैयार हो। उसमें योग हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका उपयोग हो सकता है, प्रत्येक कार्य में उपयोग हो सकता है।
स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा योग है, इसको हम व्यवहारिक रूप से समझते जाते हैं और आज ये 17वें योग दिवस पर इसको अनुभव भी कर लिया। पहला एक बार प्रश्न पूछूंगा आपसे कि योग और अभ्यास के अंदर सामान्य व्यायाम करते हैं हमारे आदरणीय मीना साहब है वो अभ्यास कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, मैदान पर एक्सरसाइज कराते हैं और हम योगाभ्यास कराते हैं, तो आपके कराने में और हमारे कराने में क्या अंतर है? बेसिकली ये फंडामेंटल अंतर कोई भी बताएगा, वो भी ऐसे किटिंग करके हाथ ऊपर कराते हैं, हम भी ऐसे ऊपर करके कराते हैं, वो भी दौड़ लगाते हैं, हम भी दौड़ लगवाते हैं, वो भी उठक बैठक कराते हैं, हम भी उठक बैठक कराते हैं, क्या अंतर है? श्वास पर नियंत्रण और ध्यान, यानी कोई भी अभ्यास कोई भी क्रिया अगर उसमें अवेयरनेस छोड़ दी जाए तो वह योग, और यही विधा है कि आप कलम भी चला रहे हैं वो भी योग बन सकता है विद अवेयरनेस, पहले अपनी खाना बना रही है वो भी योग हो सकता है, हम एक एक कदम चलते हुए जा रहे हैं वो भी योगिक क्रिया हो सकती है, कुछ भी योग हो सकता है, बस अवेयरनेस की। चलिए अपन इसी अवेयरनेस का एक अभ्यास करते हैं अपनी क्रियाओं के साथ, योगिक अभ्यासों को करने के लिए हम सभी खड़े हो जाते हैं, वो अपने शरीर का हाल चाल पूछ लेते हैं। आज अभी हमने पूछा नहीं, बहुत से लोग तो नियमित अभ्यास करते रहे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो आज अपन अपने शरीर से पूछते हैं शरीर तो कैसा है, हेलो हाउ आर यू, पूछे अपने टखने से पूछते हैं, चलो टखने से पूछते हैं, हे ब्रो अब नीचे आओ, यस टखने का अभ्यास, टखने को ऊपर करना करिए टकने से, देखिए अपने ऊपर पूरा ध्यान आएगी, रक्त का प्रवाह बढ़ गया है, रोड धीरे धीरे स्पंदित होने लगे हैं, धीरे सारे पत्र बता रहा है, बता रहा है बस बस को, ठीक है चलिए अब घुटने से पूछते हैं, ठीक है चलो दो आसनों को श्वास छोड़ते हुए बैठना, श्वास छोड़ते हुए उठना, देखो थोड़ी देर में वो कहेगा बस, ठीक है मेरा हार्ट बीटिंग के बारे ज्यादा मत पूछ, ऐसा बोलेगा क्या देखो बनाएंगे एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, और फिर धीरे करते हुए रुक जाएंगे, देखिए आगे बढ़ के लिए इतना बता रहा है, सुनिए बोलने की बात बता रहा है ना, किसी का चीख चीख के बता रहा है, धीरे धीरे नहीं बता रहा, चलिए कमर से पूछते हैं, ये कमर करिए कहा है बात को बताइए, और पैरों को थोड़ा जितना जिंदे को लेइए, यस और आगे बताइए, एक बार राइट साइड पे देते एक बार लेफ्ट साइड, यहां पर देखिए कमर के निचले जोड़ की बताएंगे, कमर के साइड के मांसपेशियां भी बताएंगे, गति को धीरे धीरे बढ़ाना, आगे नहीं झुका ये बस साइड पे साइड जरूरी नहीं है कि हमारे टखने तक आ जाए, उंगली तक भी ला सकते हैं, लेकिन साइड और फिर धीरे धीरे गति को कम करिए, रुक जाइए आगे कम करिए, कमर के गुणों को साइड का हाल देखिए, सक्रियता बढ़ती जा रही है ऊर्जा बढ़ती जा रही है, चलिए मूल गुण का हाल सोचते हैं, थोड़ा पैरों को अंदर दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा है संचालन, और इसके बाद घोड़े चल रहा है, और फिर धीरे धीरे गति को बढ़ाइए,
करिए, सभी तलाइए अपने गुरुगुण पर, हे मेरे मन का सक्रिय होता हुआ, हमको करते जाना, चलिए हमको बात पूछते हैं, क्या बनाएंगे और हाथों को बोल बुलाइए, पूरा हाथ बुलाइए ऊपर, हाथ ऊपर जाए तो श्वास लेना, नीचे आए तो छोड़ना, दस पास हो जाने के बाद फिर दूसरी दिशा उठने, बस और अब अपने शरीर का हाथ पूछते हैं, पूरे शरीर का, ठीक है, चलो ये स्थिति बनाइए, एक फिसल पट्टी जैसी आप स्थिति बनाइए, ऐसे हिप से आकार में, आयुष्मान जी थोड़ा नीचे, जी सर, सामने दो फीट की दूरी पर कोई वस्तु रखिए, उसे देखिए और इस पोजीशन में बैलेंस कीजिए, ओके, एक सामान्य श्वास के साथ, दो तीन चार पांच, रिलैक्स आराम से, देखो पूरा शरीर बता रहा है मैं स्वस्थ हूँ, आराम से तो अपन ये अपने थोड़ा स्थूल प्रयास किए, थोड़ा सा सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं, आप बैठिए कंफर्टेबली बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हैं, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा बैठिए। एक नई बीमारी चली है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक डिजीज, टेक्स्ट नेक, उसको क्या करते हैं कि वो मोबाइल होता है ना, अच्छा मोबाइल लेकर के और अपन दिन भर क्या करते रहते हैं, उसमें सोशल मीडिया को चेक करते रहते हैं, नहीं तो ईमेल भेजते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ज्यादातर काम जो है वो मोबाइल से हो रहा है, बैंकिंग मोबाइल से, ईमेल मोबाइल से, इवन की टाइपिंग मोबाइल से, सोशल मीडिया मोबाइल से, सब कुछ मोबाइल से। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना जोरदार एक कंसेप्ट दिया, एक मंत्र आता है जो प्रातःकाल उठ करके अपन बोलते हैं, लक्ष्मी कर मूले सरस्वती और कर मूले सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते प्रभाते दर्शन, ऐसे तो मेरे द्वारा तो बहुत दिनों तक ये आया नहीं है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ऐसा क्यों बोला, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये अग्र में क्या लक्ष्मी, कैसे अग्र में लक्ष्मी, तो बाद में मालूम पड़ा कि हमारा आधार कार्ड जब तक लिंक नहीं होता बैंक में से तो पैसा मिलता नहीं, और उसके लिए हमारे ये चाहिए फिंगरप्रिंट, तो कराग ग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये सिद्ध हो गया, ये प्राचीन काल के जो मंत्र है वो भी इनका उपयोग है, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे मंत्रों का एडवांस टेक्नोलॉजी जब हमारा आ जाएगा तो वो मंत्र सिद्ध होते जाएंगे। चलिए इन माइक्रो जो टेक्स्ट नेट डिजीज है उनके लिए कुछ अभ्यास हम देखते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दाएं बाएं लाते हुए खींचेंगे, एकदम खींची ऐसा लगे कि एक जना इधर से खींच रहा है, एक जना इधर से खींच रहा है, और अब धीरे धीरे माइक्रो लेवल पर स्टूडेंट, माइक्रो लेवल जोर से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे नाव का चप्पू चलता है बहुत हल्के, लेकिन हाथ खींचा हुआ रहना चाहिए, जब ही आनंद आएगा, दोनों तरफ से हाथ खींचा हुआ है, हमारे C7 से C7 तक सारी सर्वाइकल मल्टीप्लास, और अब इसको रिवर्स करिए, धीरे धीरे रिवर्स करिए, मेरे साथ अपनी गति का तालमेल बुलाइए, जैसे मेरी गति चल रही है वैसे आप अपनी गति को जितना स्लो डाउन करेंगे उतना बेनिफिशियल, और अब धीरे से हाथ खींचो, देखिए क्या आराम है यार, ये नित्य अभ्यास करने वाले बता रहा हूँ आपको, ये नित्य अभ्यास करना है, ये योग दिवस के अभ्यास के लिए डेली रूटीन के अभ्यास, नेक्स्ट ट्रैक में दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को उठाइए, कलाइयों को पकड़िए, एक बार राइट साइड खींचिए सिर के पीछे की ओर से, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट,
झटका नहीं देना, धीरे धीरे खींचना। एक बार हाथ ऊपर खींचिए और फिर नीचे खींचिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और लेफ्ट करते हुए, ऊपर करते हुए हाथों को नीचे। ये सर्वाइकल के लिए, एक्सपेक के लिए दूसरा प्रकार का। तीसरे प्रकार के अभ्यास में हम प्रेशर देते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे लगाइए और यहाँ पर जब तक मैं संख्या लूँ तब तक प्रेशर बना कर देते हैं, करिए होल्ड इट थ्री काउंट्स, वन टू थ्री रिलीज, इसी प्रकार तीन बार हेल एंड होल्ड, वन टू थ्री रिलैक्स, लास्ट हेल होल्ड, वन टू थ्री। यही अभ्यास सामने से लगाट कर रखिए, शुरू करेंगे। हेल होल्ड, वन टू थ्री रिलैक्स, हेल होल्ड, वन टू थ्री रिलैक्स, अगेन वन टू थ्री रिलैक्स। अब यही राइट साइड, राइट हैंड को ऊपर उठाइए और प्रेशर दीजिए, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स। प्रेशर लगाना है, अपना लीजिए, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स। और हाथों से अपनी खोड़ी को दबाइए, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स, वन टू थ्री रिलैक्स। ये सारे टेक्स्टनेक डिजीज के लिए अभ्यास डेली रूटीन में इसको शामिल करें। आप सुबह समय नहीं मिलता दिन में करिए, कुर्सी में बैठे बैठे करिए, थक जाए तो कर लीजिए, 5-10 मिनट के अंदर ये अभ्यास हो जाए। चलिए कर्तव्य अभ्यास करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर कदम ले जाना, नीचे ले जाना, श्वास छोड़ते हुए स्मूथली कदम को चलाइए आगे पीछे। अब कदम सेंटर में लाइए, साइड में छुपाएंगे कदम, बार राइट साइड घुमाएंगे, बार लेफ्ट साइड घुमाएंगे। कोशिश कीजिए अपने काम हमारे कंधों से स्पर्श हो जाए, झटका नहीं देना है, सहजता पूर्वक, सजगता पूर्वक। और फिर आप गर्दन को टर्न करेंगे, एक बार राइट साइड, बार लेफ्ट साइड, डाउन एंड जैक, कंटिन्यू मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट। और गर्दन को सेंटर में लाते हुए आगे झुका दीजिए, एक बार राइट साइड घुमाते हुए लाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड घुमाते हुए लाएंगे, केवल हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन अप्लाई करेंगे, केवल एक बार आगे से दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। और फिर सेंटर में लाते हुए धीरे से कदम को पीछे ले जाइए और यहीं से एक बार राइट साइड, बार लेफ्ट साइड,
ओनली हाफ रोटेशन एंड चलो धीरे से अपने पैरों को मोड़ लीजिए, एड़ियों को टखनों को गलों को मिला लीजिए और कमर को सीधा रखिए। अब अपने यमुनाओं के घोड़ों को हिलाइए, ऊपर नीचे चलाइए। ये कहलाती है वज्रासन क्रिया, देसी भाषा में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पढ़ाएंगे। चलिए अब अपने कमर के निचले जोड़ को चेक करते हैं। श्वास लीजिए, रुकिए, श्वास लीजिए और धीरे धीरे आगे घुटने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए अपना मस्तक अपने कंधे तक कंधे तक आ जाए, नहीं आता तो एक बार और भी होगा और फिर कोशिश करिए थोड़ा सा आगे और झुकने की कोशिश। एक अंतिम प्रयास और कर लीजिए, पहले वाले से थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश और यहां होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 धीरे से श्वास लेते हुए उठ जाते आराम से रिलैक्स। तो योग यानी क्या, योग यानी क्या, योग यानी आनंद। अगर मॉडर्न रूप में इसको कहें योग इज द स्मार्ट वे ऑफ लिविंग, योग इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ लिविंग। आप लोग गाड़ियां होकर रखते हो ना, गाड़ियां कार बाइक स्कूटर, जब आप बाइक खरीदने जाते हो तो कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे, जो एवरेज 25 का देती है या 75 का देती है पर लीटर एवरेज 25 का देगी या 75 का देगी, वो खरीदोगे कौन सी खरीदोगे, पच्चीस वाली की 75 वाली, बोलो 75 वाली, यानी 75 वाली तो जिसका इंजन कम में भी ज्यादा भागे, कम पिए और ज्यादा भागे, तो हमारा शरीर भी कम ऊर्जा के अंदर ज्यादा काम कर सके, वो वाला शरीर ज्यादा अच्छा कि ज्यादा ऊर्जा कंजम्पशन दे और काम डिलीवर का नहीं दे। तो योग हमें एक ऐसी टेक्निक देता है कि हमारे इस इंजन को शरीर को एफिशिएंट बना देता है कि कम से कम ऊर्जा के अंदर भी अधिक से अधिक काम करने की शक्ति आती है। इट इज द योग, इट इज द, हमारे भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत पहले बता दे, योग कर्मसु कौशलम, स्किल, स्किल सुनते ना अभी अपने तो कोर्स में भी चलता है स्किल डेवलपमेंट, योग इज द मेथड टू स्किल टू डेवलप आवर स्किल एफिशिएंटली प्रोफिशिएंटली, और इसमें आसनों का बहुत जबरदस्त रूप है। चलिए आसनों के अभ्यास के लिए हम खड़े हो जाते हैं, बहुत सिंपल अभ्यास हम करने वाले हैं और बहुत मजा इसमें आने वाला है। चलिए चलिए तो हम सभी एक आसन करेंगे जिसका नाम है अर्धविराम चक्रासन। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से, इसमें बहुत सिंपल टेक्निक है, हाथ को ऐसे उठाना मोड़ लेना, एक बार करना नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से, जल्दी से जैसे बोलते ना क्विक रिव्यू दिखा रहा हूँ एंड करना इसको स्लोली, हाथ को ऐसे उठाएंगे पलट देंगे ऊपर ले जाएंगे श्वास बंद खींचेंगे ऐसे जुटेंगे ऐसे सीधे होंगे वापस आप ऐसे लाएंगे टर्न करेंगे नीचे। अब इसको स्लो मोशन में आपको करना है, ठीक है ना, क्रिकेट का मैच देखते ना आप टीवी के ऊपर,
पहले तो बॉलर एकदम बॉल डाल देता है, बाद में वो आउट हो जाता है, उसके बाद स्लो मोशन में दिखा देते वो बॉल ऐसे भी उल्टे से करते, ठीक है ना। अपने इस आसन को रीप्ले में करने वाले, ये मैंने प्ले करके दिखाया आपको, रीप्ले में चलिए। राइट हैंड का ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। राइट हैंड मेरा वाला तो यहाँ है, आपका कहाँ है? यहाँ उल्टा, ठीक है। चलिए धीरे से सीधे खड़े हो जाए, रेडियो को मिलाए, पंचों को विषय को खोलिए, गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी रखिए, अभी शुरू नहीं किया, सूचनाओं के साथ में करेंगे। चलिए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाइए, मेरे से ताल मिलाइए, जैसे मेरी गति है उस गति से मिलाने की कोशिश करिए। धीरे से हथेली को पलट दीजिए और धीरे धीरे हाथ को ऊपर जाने दीजिए, को कान से स्पर्श कराते हुए स्पर्श गति से चेतना को आरंभ करिए। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए पूरे शरीर को बिना एड़ियों को उठाए, और फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में झुकते जाइए। नीचे वाला हाथ थोड़ा और नीचे चला जाएगा, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, नीचे वाले हाथ को कंधे से ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ होल्ड कीजिए। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास को रोकना नहीं है, लगातार चलते रहना। देखिए अपने दाहिनी ओर की चाल, बाईं ओर दबाव, फ्लैट फुट की समस्या को दूर करने वाला यह आसन अर्धकटि चक्रासन। धीरे धीरे त्रिणी, धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाना है वापस, श्वास भरते हुए, और फिर चतुर्वारी धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए, आंखें बंद करते हुए अवैध हो जाइए, अपने नीचे हाथ आते हुए हाथ की तरफ रक्त के प्रवाह प्रभाव कीजिए, हथेली को जमीन की तरफ पलट लीजिए जब हाथ धोने की समर्थ कराए, और फिर उंगलियों की तरफ वो रहे स्पंदनों को अनुभव करते जाइए। फील जेंटल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम शोल्डर्स टू फिंगर्स। पता है, इसको दूसरी तरफ से भी चेक करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, पूर्ण सजगता के साथ, पल्टिंग अवेयरनेस के साथ हथेली को पलट दीजिए, धीरे धीरे हाथ को ऊपर जाने दीजिए, आपको कान से स्पर्श कराइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खींचिए, एंड देन वे बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड, होल्ड इट continuous normal breathing. 1, 2, 3, 4, and 5. Breathe. Raise shwas ke upar. And chatwari. Dhire dhire haath niche lana. बताइए आपका क्या क्या अनुभव, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, ब्लड फ्लो को अनुभव होता है। It is the process of cyclic meditation. इस अभ्यास से हम cyclic meditation करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी इसको और deeply हम करेंगे, इसको आगे हम process समझ करें, इसी आसन को repeat करेंगे, और फिर इसको और deeply analyze, realize, research, अनुसंधान इसमें करिए। अपना क्या है? NCRT, National Research Center, research रिसर्च एंड ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी, रिसर्च करते हैं, ठीक है। चलिए अपने ही संगठन को साक्षात करते हैं अपने व्यवहार। चलिए अगे अब आंखें बंद करते हैं, रिसर्च आंखें बंद, चलिए चलिए आंखें बंद कीजिए और सूचनाओं पर ध्यान देते हुए करिएगा। रेज योर राइट हैंड जेंटली नॉर्मली कंटीन्यूअसली अप टू द शोल्डर लेवल and with awareness, pointing awareness, twist your palm upside and slowly and continuously raise your
and feel the touching awareness with right arm to the right ear. एकदम सिंगल लीनियर अवेयरनेस के साथ अपने शरीर को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर कीजिए, वे धीरे धीरे फ्रंट साइड में बेंड होते हुए घुटनों को सीधा रखते हुए अपनी लेफ्ट साइड झुक जाइए, आंख बंद कर लीजिए, नीचे वाले हाथ को कंधे से हिला छोड़ दीजिए। आसन का परिणाम तो बंदान विघात है, शरीर कष्ट में है लेकिन चेहरा आनंदमय है, हल्की सी मुस्कान बना करके रखिए। इस कष्ट के आनंद को एंजॉय द पेन। ऋणी धीरे से हाथ ऊपर लीजिए, छतवारी धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है, रक्त के प्रवाह को प्राण के प्रवाह को अनुभव करते जाइए, पलटिए हथेली को धीरे से और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लाइए, झटके से नहीं छोड़ना है, नियंत्रण के साथ हाथ पर नियंत्रण कायम रखते हुए हथेबंदी रखिए और अवेयर हो जाइए अपने शरीर के प्रति। राइट साइड में लाइटनेस को अनुभव कीजिए, लेफ्ट साइड में हैवीनेस अधिक अनुभव हो रही है। इस अभ्यास को संतुलित करेंगे अपने लेफ्ट साइड से करते हुए, काम श्वास करते हुए हाथ को धीरे धीरे उठने दीजिए, अब हथेली को टर्न कर लीजिए, धीरे धीरे हाथ को पूरा जाने दीजिए, कान से स्पर्श कराते हुए फील द सिंगल लीनियर अवेयरनेस एंड एक्सटेंडेड अपसाइड विद इनहेलेशन एंड वेट एक्सहेलेशन बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड, कीप योर नी स्ट्रेट एंड कीप जेंटली स्माइल ऑन योर फेस। ऑब्जर्व peacefulness, observe calmness, observe beautifulness, observe divinity, expression of divinity. श्वास लेते हुए हाथ को ग्रहण कर लीजिए, चक्वारी bring down your left hand. अवेयरनेस एक इंच बाय इंच हाथ को नीचे लाइए, ठीक करते जाइए, ऑब्जर्व इट, टर्न योर पाम पॉइंटिंग अवेयरनेस, फील जेंटल फ्लो ऑफ प्राण एंड रिलैक्स, कीप योर आईज क्लोज्ड, ले विच्छिन्न मुद्रा chant om hey feel vibrations of om chanting gently over eyes sit comfortably मात्र एक आसन ही हमारे पूरे परिवर्तन का आधार बन सकता है, यानी एक आसन धनात्मक स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने आसन का लाभ क्या बताया, प्रक्रिया बताई, सबसे पहले स्थिति, स्थिरम सुखम आसनम, जो आसन है वो स्थिरता पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो, यानी झुक रहे हैं और चेहरा दिख रहा है, निकल रही है, इट्स नॉट आसन। तप होना चाहिए आसन करते समय, तप
और तब कैसा होना चाहिए, जिससे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, चित्त की प्रसन्नता तक तब। अब कोई ये कहे इसका उल्टा अर्थ निकाल करके कि मैं तो जरा सा हिलता हूं तो ही कष्ट होता है, थोड़ा तो तब चल, थोड़ा तब तो होना, और बिना तब के लोग सिद्ध नहीं होता, थोड़ा तब। अब कोई कहे तो उठता ही 12 बजे, थोड़ा सा जल्दी उठा, 12 बजे है वो 10 बजे लाए, 10 बजे है 8 बजे आए, 8 बजे है वो 6 बजे लाए। इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन आता है, हमारी प्रकृति है तो धीरे धीरे, बिगाड़ने में बहुत जल्दी, बिगाड़ने में तो तुरंत हो जाता है, बनाने में थोड़ा समय। इसलिए ये योग दिवस हमारा, ये शपथ लिए ना परिवार के साथ, हमारा विवेकानंद केंद्र का भी अभी एक चल रहा है अमृत परिवार योजना, अरे सारा परिवार मिलकर के जब अच्छे काम करता है तो उस परिवार को हमने अमृत परिवार कैटेगरी में डाला। और कितने अमृत परिवार हम बना सकते हैं, हमारा परिवार अमृत परिवार बन सकता है क्या, ये ढूंढना और इसको बनाने का प्रयास, ये सारा योगा का इसमें चलता है। इट इज दी बेसिक, यहां से शुरुआत होती है और फिर ये अनंत है, शुरुआत यहां से है और फिर अनंत। हम सबसे बड़ी बात क्या है कि हम योग को अंतिम मान लेते हैं कि अब योग हो गया, अब सब खत्म। योग से योग पर समाप्ति नहीं है, योग से शुरुआत है। अभी तक जो व्यस्तता, यानी आप अगर इंटीग्रल्स अगर देखें ना मैथमेटिक्स जिनके पास है, तो इंटीग्रल्स में 0 आता है, उससे पहले माइनस की संख्या चलती रहती है, फिर बाद में प्लस होता है। तो हम 0 पे, माइनस से 0 पे आ गए तो हम सोचते पूर्ण हो गए, नहीं, तो आगे धनात्मक यात्रा करनी है। ये योग से शुरुआत, इस रूप में हम इसको योगाभ्यास करते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम में हम प्राणायाम से पूर्व एक श्वसन की क्रिया देखते हैं, पूर्ण यौगिक श्वसन। अंगूठे अंदर रखते हुए मुठिया बनाएंगे, नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, पूर्ण यौगिक श्वसन में हम पहले अपने इंद्रिय श्वसन, फिर वक्षीय श्वसन और फिर स्कंधीय श्वसन, इसको एक साथ करने वाले हैं। ऐसे करेंगे, पहले पेट को प्राणायाम, छाती को बुलाना कंटिन्यूअसली, और फिर कंधों को ऊपर लेते हुए पूरे फेफड़ों को श्वास से भर लेना, और फिर छोड़ते हुए भी पहले पेट को अंदर लेना, फिर चेस्ट को अंदर की तरफ लेना नीचे की तरफ, और फिर कंधों को भी नीचे की तरफ लाते हुए श्वास को छोड़ना। 3 राउंड इससे हम करते हैं। चलिए पहले एक गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए, और पूरे श्वसन पूरे योगिक श्वसन की तैयारी कीजिए। धीरे धीरे पेट को फुलाना शुरू कीजिए, छाती को फुलाना शुरू कीजिए, अंत में कंधों को ऊपर लेते हुए पूरे फेफड़ों को भर लीजिए श्वास से। अब धीरे धीरे पहले पेट को अंदर लीजिए, श्वास बाहर निकालते हुए छाती को अंदर लीजिए, और फिर कंधों को नीचे लाते हुए पूरा श्वास छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सपांड योर बेली, एक्सपांड योर चेस्ट, extend your shoulders and back, exhale, contract your abdominal cells, chest and shoulders. एक और अभ्यास करेंगे, inhale, and exhale. अब जिनको हाई बीपी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, वो इसी अभ्यास को कंटिन्यू करते जाए, ठीक है। शेष बाकी सब लोग मेरे साथ आ जाए और हम करेंगे अस्थिका का अभ्यास। अस्थिका का अभ्यास हाई बीपी वाले कौन कौन हाई बीपी वाले, हाँ आप इसको कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बेनिफिशियल, बहुत है बेनिफिशियल, ठीक है। बाकी सब लोग अस्थिका मेरे साथ आएंगे, हाथों को इस प्रकार से रखिए, विदा छोड़िए, कंधों को थोड़ा सा रिलैक्स करके, और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, इन आउट, इन आउट, इन आउट, तेज धीमे, तेज धीमे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल exhale, inhale, and exhale. Relax. Okay, bang kar lijiye.
संपूर्ण चेहरे की ओर ध्यान दीजिए, संपूर्ण मस्तिष्क की ओर ध्यान दीजिए, रक्त का प्रवाह, नाड़ का प्रवाह, प्रत्येक न्यूरॉन को एक्टिवेट करता हुआ, एक एक न्यूरॉन को जवान होते हुए अनुभव करते जाना है। कुछ देर श्वास रुक गया है, रुके हुए श्वास का आरंभ लीजिए। जैसे ही आवश्यकता लगे धीरे से श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। और राउंड इसका दोहराएंगे हम सभी, और हाथ कंधों के पास लाइए, कंधों को बिना छोड़िए, थोड़ा फ्लो बनना चाहिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ हमारे कंधे जाएंगे। एंड नाउ स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इन आउट, इन आउट, in out, in out, inhale exhale, श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, relax, थोड़े आप लोग बंद कीजिए, feel the increased energy level, आज दिन भर के लिए ऊर्जावान हो गए हैं, ऊर्जा का संग्रहण इस क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हमने किया है, श्वास रुक गया है, हम करते जाइए। अच्छी मुद्रा लीजिए, गहरी श्वास लेते हुए और बार भी ध्वनि करेंगे, खेल ये। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम सभी जानते हैं अनुलोम का मतलब क्या होता है, लेना, और विलोम यानी उल्टा, छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना लेफ्ट से छोड़ना राइट से, लेना राइट से छोड़ना लेफ्ट से, कहां से ले रहे हैं वहां से नहीं छोड़ना, यहां से छोड़ रहे हैं वहीं से वापस लेना, सिंपल टेक्निक, ठीक है। चलिए जो मुद्रा आपने बाएं हाथ से बनाइए, नासिका मुद्रा इस प्रकार से बनाइए, दोनों जो फ्रंट फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, उसको मोड़ लेना, अंगूठे की जड़ में लगा लेना, और अंगूठा और ये जो बाकी दोनों उंगलियां है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, उसको सीधा रखते हुए ये इन दोनों उंगलियों से नासिका को हल्का से दबाएंगे, और अंगूठे से यानी उंगलियों से तो लेफ्ट मोस्ट को हल्का से दबाएंगे, अंगूठे से राइट पोस्टर को हल्का सा प्रेस करेंगे। मैं काउंटिंग बोलूंगा, उस काउंटिंग के साथ में आपको इनहेल करना है और एक्सहेल, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चिन मुद्रा बनाते हुए आंखें बंद कर लीजिए, सर्वप्रथम एक गहरी श्वास कीजिए, अंगूठे से राइट पोस्टर को बंद करते हुए उसे छोड़ दीजिए लेफ्ट से, नाउ स्टार्ट इनहेलेशन विद लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, close the left, open the right and exhale, inhale from the same, close the right, open the left and exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, inhale left, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale left right, exhale left, one may inhale, two may exhale, three may inhale, four may exhale, one, two, three,
फोर वन टू थ्री फोर लास्ट टू राउंड्स वन टू थ्री फोर फाइनल राउंड वन टू थ्री फोर ड्रॉप डाउन योर हैंड रिलीज द मुद्रा बंदी रखिए श्वास के पैटर्न में आए हुए बदलाव को महसूस करते जाइए श्वास मंथर को चला है वाहन चला है श्वास की स्थिति के साथ हमारा मन भी स्थिर होता जा रहा है शांत होता जा रहा है चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे जैसे जैसे श्वास चलता है वैसे वैसे मन भी उसके साथ बढ़ता है जैसे जैसे श्वास धीमा हो जाता है वैसे वैसे मन भी शांत हो जाता है चलो मुद्रा लीजिए दीर्घ श्वास लीजिए और ओम की ध्वनि कीजिए श्वास छोड़ते हुए आज के योगाभ्यास का अंतिम अभ्यास करेंगे नागरी प्राणायाम नागरी प्राणायाम में हमारा समझेंगे इसको क्षण की मुद्रा के साथ हम करेंगे क्षण की मुद्रा कैसे होती है ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे अपनी आंख को बंद करना ये जो मिडिल फिंगर है उसको नासिका के ऊपर रखना है दबाना नहीं है केवल जस्ट रखना है ये जो रिंग फिंगर है उसको ऊपर वाले होल के ऊपर रखना है लिटिल फिंगर है इसको नीचे वाले बोर्ड के नीचे रखना है और जो हमारी अंगूठा है उससे ये कान के बाहर का जो छोटा सा ढक्कन टाइप इसको हल्का सा दबाना है अंगूठा कान के अंदर डालना नहीं है केवल हल्के से बाहर से प्रेस और फिर बोलना क्या है न शब्द बोलना है अशब्द नहीं बोलना है मां ये वाला शब्द नहीं बोलना है नेशन ऐसे बोलना बोल के देखो नाम क्या हो रहा है जीभ हमारी कहां लग रही है तालू पे लग रही है ऐसा हम पांच बार करेंगे गहरी श्वास लेंगे और छोड़ते हुए ऐसे करना है चलिए शुरू की मुद्रा बनाइए दोनों हाथों से पहली उंगली से आंखों को बंद कीजिए दूसरी उंगली नासिका पर रखिए तीसरी उंगली ऊपर वाले होंठ पर चौथी उंगली नीचे वाले होंठ के नीचे अंगूठों से कानों के सिरों को बंद कीजिए और श्वास लेते हुए शुरू कीजिए जिम मुद्रा बना करके रखिए आज किए गए संपूर्ण योगाभ्यास और उनके प्रभाव का अवलोकन मन में रखते जाइए लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम की ध्वनि कीजिए
का अनुभव कीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को बनाते हुए अपने आप को लगाइए, धीरे धीरे संपूर्ण चेहरे को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए खोले। 5 मिनट में हम अपने विराम देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना जो संस्थान है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ये अग्रणी है और एजुकेशन के फील्ड में जो प्रतिमान हमारे संस्थान ने स्थापित किए वो पूरे देश में अनुकरणीय है और मुझे भी गर्व है कि मैं भी इसी संस्थान का प्रोडक्ट हूँ। वर्ष 1991 के 12th पास करके डेमोंस्ट्रेशन स्कूल से निकला था आदरणीय साहब हमारे गुरुज रहे हैं, उन्होंने हमें मैदान में खूब बुलाया भी है और हमें सजा के तौर पर बोलिंग भी कराई है। और देखिए बोलिंग और जैसे कहते हैं ना कि पत्थर जब कंकड़ नदी के अंदर बुलता है धीरे धीरे शंकर बनता जाता है, जो साइड में हुए वो अनगढ़ रह जाते हैं, जो बुलते रहते हैं वो बन जाते हैं। हम सब ऐसे गुरुजनों की कृपा से ही हमारा निर्माण हुआ है और अब विवेकानंद केंद्र में आते हुए मनुष्य निर्माण की जो संकल्पना हमारे संस्थान ने हमारे ऊपर से शुरू की थी उसे विवेकानंद केंद्र का माध्यम बना चुके समाज में ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और समय समय पर आदरणीय श्री शर्मा साहब का, आदरणीय आयुष्मान जी का और आप सबका भी, आदरणीय प्रकाश जी का सहयोग मिलता रहा है। और हमारे चंद्रशेखर जी वो उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया था एक बार सारे विद्यार्थियों के लिए 150 से 200 विद्यार्थियों के लिए 10 दिन का योग सत्र पूरा उन्होंने लगाया और वो विद्यार्थी आज भी मुझे मिलते हैं। आपको बताऊँ दूसरे समय का जुड़े हुए एक विद्यार्थी गुप्ता जो आज सुबह जो हमारा योग दिवस था उसने ही योगाभ्यास वहां पर कराया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। यानी उस समय का किया हुआ प्रयास वो बंद नहीं हुआ है, वो इतने विद्यार्थी कहीं कहीं पूरे भारतवर्ष में फैले हैं और उस अभ्यास को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसका साक्षात प्रमाण आज सुबह मुझे देखने को मिला। मैंने उसको बहन को पूछा कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आप हमको उस समय योगाभ्यास कह रहे हैं, बड़ा सुखद अनुभूति। तो ये प्रयास निरंतर अनवरत चलता रहे, हमारे विद्यार्थियों के बीच में भी सत्र आयोजित होते रहे, शिक्षकों के लिए हमने एक समर्थ शिक्षक कार्यशाला भी यहाँ पर लगाई थी जिसमें हमारे नॉर्थ एरिया के जितने भी शिक्षक थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के और भोपाल के, मध्य प्रदेश के कुछ लोग आए थे, एक भाई थे उनका आदि, वो आज भी संपर्क में है पंजाब में, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आदि। तो ऐसे करते हुए लोग जुड़ते हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं, शिक्षक निर्माण की प्रक्रिया भी है और छात्र भी उस निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं। तो ये सेवा कार्य, ये श्रद्धा भाव के साथ में ये कार्य नित्य निरंतर चलता रहे और योग दिवस हमारे प्रतिदिन के जीवन में शामिल हो। केवल 365 दिन के बाद हम 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए उपस्थित न हो, प्रस्तुत न हो, प्रत्येक दिन ये योगाभ्यास हमारे जीवन का अंग बन जाए और जीवन की इस छोटी सी विकार अवस्था को पूरे दिन की समाहित अवस्था में हम परिवर्तित कर सके, ऐसी शक्ति हमें स्वामी विवेकानंद ने, ऐसी शक्ति ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, ऐसी शक्ति हमें समस्त हमारे जो हमारी पुरातन संस्कृति है उनके ऋषि मुनि तपस्वी ने, महर्षि पतंजलि ने ऐसा भाव रखते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। नमस्कार मुद्रा दीजिए, आगे मत दीजिए, महर्षि पतंजलि को इस अवसर पर याद कीजिए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए प्रार्थना नीचे नीचे दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य तदेव वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन रूपान्तरोत्तम नवरं मुनीनां पतञ्जलिं सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सर्वे शांति 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 संपूर्ण चेहरे को फैलाते हुए मुस्कुराते हुए गिरे संपूर्ण है जय घोष के साथ में सत्र का समापन करेंगे। मैं कहूंगा जन्म जहां पर आप बोलेंगे हमने पाया, अन्न जहां का वीर जहां का वस्त्र जहां के ज्ञान जहां का वो है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा। जन्म जहां पर हमने पाया, सबकी आवाज आ रही है, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने पाया, वीर जहां का हमने पाया, वस्त्र जहां के हमने पाया, ज्ञान जहां का हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी विश्व में इस योग की कीर्ति को हम अपने आचरण के साथ में फैलाएं। इसी संकल्प के साथ आपका बहुत बहुत आभार। इतने सुंदर अभ्यासों के लिए और आज के इस दिवस को और अधिक सुनहरा बनाने के लिए हम स्वतंत्र जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनका साहचर्य हमें उसी रूप से मिलता रहेगा और हम उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के मुख्य अतिथि श्री स्वतंत्र कुमार शर्मा जी, संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष, अध्यापकगण और साथियों, पिछले दो साल से ऐसा हो रहा है कि सभी कार्यक्रमों में पर्दा गिराने की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। मैं पुनः पर्दा गिराने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ और जिस घड़ी का आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी भी अब आ गई है, क्योंकि कार्यक्रम के शुरू होने के वक्त हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा श्रम कम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ उपस्थित होने का मुआवजा हमसे ज्यादा वसूल दिया है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कार्यक्रम के शुरू में हमने हलफ ली थी कि योगिक क्रियाओं को करने के लिए और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करने के लिए, तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि आज हमने जो हलफ ली है उसकी खिलाफ वर्जी न करने पाए और आगे जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं और स्वतंत्र
कुमार शर्मा जी ने और इससे पहले हमारे प्राचार्य महोदय ने भी योग की जो अहमियत है, योग की जो इफादियत है, जो इसके फायदे हैं उसके बारे में बताया। लेकिन हम जानते हैं कि योग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए करीब सभी आश्रम के लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्मचर्य के भी हैं, गृहस्थ भी हैं, मेरे जैसे वानप्रस्थ में जाने वाले भी हैं और कुछ संन्यास की तरफ अग्रसर हैं। योग का जो कार्यक्रम है और जो योगिक क्रियाएं ये नहीं है तो हो जाएगा और संन्यास का भी रास्ता खुला हुआ है। तो योग योगिक क्रियाओं के करने से सभी वर्ग, सभी आश्रम के लोगों, ब्रह्मचारियों के चेहरे पे तेज पैदा होता है, उनका आभा मंडल तेजवान होता है, गृहस्थों को स्फूर्ति प्राप्त होती है, आमप्रस्थ वालों को ऊर्जा प्राप्त होती है इन योगिक क्रियाओं के करने से। और संन्यास आश्रम की तरफ जो लोग उन्मुख है उनके लिए योग जीवन प्रदान करता है। तो योग की अहमियत तो अपनी जगह पे है, लेकिन साथियों मैं इससे पहले जैन विश्व भारती लाखों की तरफ से कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए थे योग के, जो दिन में 11 बजे शुरू होते थे और बीच में लंच होता था और लंच के बाद भोजन भी मिलता था। तो उसमें क्या होता था, ऊर्जा रीजनरेट हो जाती थी, योगिक क्रियाओं के करने के बाद जब भोजन मिलता था तो जितनी ऊर्जा हम खर्च करते थे उतनी ही मिल भी जाती थी। लेकिन योग के करने के लिए जिस मनसा वाचा कर्मणा और एकाग्रचित्तता की जरूरत होती है, क्योंकि आज हम पता नहीं मैं तो कुछ वक्त तक योगी क्रियाओं में हिस्सा लेता रहा और कुछ वक्त तक नाश्ते के बारे में भी सोचता रहा, तो हम से बहुत से साथी भी ऐसा सोचते रहे हूँ। अब सबकी जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी बरकत। लेकिन एक चीज तय है कि स्वतंत्र कुमार जी ने जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं पहले उनका आभार व्यक्त कर दूं और अपने व्यक्ति का, मुझे पता नहीं था कि हमारे संस्थान के विद्यार्थी भी हैं, तो अपने लोगों का आभार व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये हमारे संस्थान में मुख्य अतिथि बन के आए और जैसा कि पहले बताया गया था कि बड़े व्यस्त कार्यक्रम से मौका निकाल के आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज का एक व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि अगर फुर्सत से आते तो हमारी कुबले हिला के रख देते। जितनी योगिक एक बात तय है कि सर माफ कीजिएगा आप हमारे विद्यार्थी भी रहे, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में इंतजार कर रहा था कि अब शायद बस होगा। लेकिन मैं इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी बहुत सारी योगिक क्रियाएं बाकी रह गई थी जिससे आपने हम लोग को बचा लिया। तो मैं एक बार इस योगा दिवस के अवसर पर संस्थान की तरफ से अपने स्तर पर अपने सहयोगियों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के जो हमारे समन्वयक हैं उनका आभार भी इस वक्त करना जरूरी है और जो हमारे कलीग्स आज संस्थान में वक्त से 1.5 घंटे पहले उपस्थित हुए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया और ये छोटा सा हाल भी थोड़ा भरा भरा नजर आ रहा है। मैं तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जो स्टूडियो स्टाफ है, इस बात के साक्षी बने कि हम ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, मेरा ख्याल है सबकी फोटो इन्होंने खींच ली है और अगर किसी की बाकी रह गई तो अभी भी मौका है खींच सकते हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वित्त अधिकारी हैं, शिक्षण अफसर्स हैं और संस्थान के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे चीफ गेस्ट साहब का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्राप्त रही कार्यक्रम किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाता। और जैसा कि प्राचार्य महोदय ने पहले ही कहा था कि अगली बार आप हमारे लिए वक्त अलग से नहीं रखेंगे, आप अवश्य यहाँ उपस्थित होंगे, इसी उम्मीद के साथ में आप छूट गए ना, अगली बार सारे बहुत ही विशिष्ट शैली से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे सम्माननीय मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इससे पहले कि कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ करें तो एक सूचना है कि राष्ट्रगान के तुरंत पश्चात बाहर तक्रपान की व्यवस्था रखी गई है, तो उससे पहले अब हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर के राष्ट्रगान की रिकॉर्डिंग
जब तक वो वेट अप करोगे तो